आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है इंडस्ट्री में एक टर्म काफ़ी लोगों के मुंह से सुना जा रहा है और न्यूज़पेपर पे भी मैंने पढ़ा, वो है क्वाइट क्विटिंग। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी कि क्वाइट क्विटिंग क्या होता है। तो इन शॉर्ट क्वाइट क्विटिंग का मतलब ये होता है कि उतना काम करना जितना बॉडी की कैपेसिटी है, वीकेंड्स को काम ना करना, एक्स्ट्रा लोड ना लेना, बर्नआउट अवॉइड करना और समवॉट एक वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करना। अभी आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, मैं अपने व्यूज़ दे रहा हूँ कि ये पहली चीज़ तो ये कि ये टर्म आया कहाँ से। ये टर्म इसलिए नए नए टर्म्स ऐसे आते रहते हैं जब डेवलपिंग कंट्रीज़ एक डेवलप कंट्री के साथ में कंपैरिजन करती है। जैसे कि सुना होगा कि लोग बोलते हैं वेस्टर्न कंट्री में लोग एक फिक्स टाइम के लिए काम करते हैं, उसके बाद में फ्री हो जाते हैं, वीकेंड्स को नहीं आते, वो छुट्टी पे फ़ोन कॉल्स नहीं लेते हैं। अब ये जब चीज़ें अपीलिंग लगती है तो कुछ लोग ऐसे टर्म्स निकालते हैं डेवलपिंग कंट्री में जो कि वेस्टर्न कंट्री फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ सबसे बड़ी सोचने वाली बात ये है कि सिचुएशन दोनों कंट्रीज़ की अलग होती हैं, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो क्वाइट क्विटिंग टर्म है ये अभी क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, ये पहले क्यों नहीं था, पहले वर्क लाइफ बैलेंस था, अभी इसके होने के पीछे रीज़न क्यों है और ये पैंडेमिक के बाद ही क्यों हुआ। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि पेंडेमिक के बाद में जो मुझे ऐसा लगता है, पेंडेमिक के बाद में इसके आने का कारण सिर्फ एक ये है कि लोग वर्क फ्रॉम होम कर करके एक इस तरीके की रूटीन को फॉलो करें कि वो ऑफिस में जाना नहीं चाहते। अब जाना नहीं चाहते इसलिए नए नए कारण ढूंढ रहे हैं, उसमें से एक कारण मुझे ये लगता है। लेकिन क्या ये गलत है इस बारे में सोचना कि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होना चाहिए या क्वाइट क्विटिंग जैसा कोई एक माइंडसेट नहीं होना चाहिए? ऑफ कोर्स होना चाहिए। एक अच्छी हेल्थ के लिए, फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर टाइम आपके पास होगा तभी आप अपने ऊपर दे पाएंगे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये चीज़ होनी चाहिए, लेकिन आप टाइमिंग देखिए। टाइमिंग ये कि ये पोस्ट पेंडेमिक ही लोगों को क्यों सूझ रहा है, ये इसलिए नहीं सूझ रहा है कि लोग बहुत हेल्थ के लिए अवेयर हो गए हैं। काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं योगा और हेल्थ के क्वेश्चंस के लिए, तो मैंने जो एक ऑब्जर्व किया, मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा करके जो लोग आए हैं वो हेल्थ के बारे में बहुत कंसर्न है, इसलिए ये सब नहीं कर रहे हैं। अगर ये बात होती तो पोस्ट पैंडेमिक लोग ज़्यादा हेल्दी होते, स्पेशली वो लोग जिनको कोविड एज सच नहीं हुआ उतनी बुरी तरीके से कि हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़े या बाकी कुछ। जितना मैंने देखा है कि पेंडेमिक में लोगों ने अपने आप को डैमेज किया है, स्पेशली 2020 में, जहाँ कि उनके पास में पूरा टाइम अपने ऊपर डालने के लिए था, जहाँ वो अपनी पूरी सेहत का ख्याल रख सकते थे, बाकी चीज़ों का ख्याल रख सकते थे, उन्होंने अपनी सेहत पे ख्याल नहीं रखा। उन्होंने कंटिन्यूसली इस बारे में ज़्यादा अपना टाइम बिताया कि जहाँ हेल्थ ख़राब हो सके। अब पेंडेमिक चला गया है, ऑफिसेस खुल गए हैं, तो इस बारे में एक नई धारणा बन गई है कि ऑफिस नहीं जाना है। अब क्यों नहीं जाना है? हम एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते, वीकेंड को नहीं आ सकते। ऑफकोर्स मैं इस बारे इसके इसके फेवर में कभी था ही नहीं ज़िंदगी में कि वीकेंड्स को काम करना पड़े, लेट नाइट काम करना पड़े, मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। लेकिन बोलने वाली बात ये कि ये जो एक लोगों ने नई चीज़ लाई है एक इंडस्ट्री में कि ऐसा करना है हमको, उसके पीछे मुझे ये पेंडेमिक और बाकी की चीज़ें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल लगती हैं कि लोगों ने अपना माइंड सेट एक ऐसा बना लिया कि उनको वर्क फ्रॉम होम कंटिन्यूसली करना है, उनको ऑफिस शायद नहीं जाना है, ये एक रीज़न मुझे लगता है। तो अभी इसके अगर ये वाकई लोगों ने अपनाया है इसको, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकते हैं कि इसके परिणाम ये हो सकते हैं कि एक जो कंपटीशन वाली भावना है उसमें, जो कि जानी नहीं है, खास करके डेवलपिंग कंट्री में ये जानी नहीं है, हम
कितना भी चाहें तो पॉपुलेशन और बाकी चीज़ों की वजह से वेस्टर्न कंट्री को इस मामले में कॉपी करने में थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो एक्स्ट्रा काम करते हैं, चीप लेबर अवेलेबल होता है। अगर डेवलपिंग कंट्री भी एग्जैक्टली वही रेप्लिकेट करने जाए इस पर्टिकुलर मामले में तो मुश्किल हो जाएगा। अब एक लेकिन इसके परिणाम ये होंगे इंडस्ट्री में कि फिर से जो बंदा एक्स्ट्रा बैठ के काम करेगा उसको वैल्यू मिलने लग जाएगी, तो जो क्वाइट क्विटिंग वर्क लाइफ बैलेंस बोलने वाले हैं ये बैक सीटेड हो जाएंगे। ये पहला कारण होगा। दूसरा कारण ये होगा कि लोग वर्क लाइफ बैलेंस के नाम पे वाकई उस बैलेंस को निभाते हैं? जरा सोच के देखिए, अपनी हेल्थ पे वाकई वो ख्याल रखते हैं? अगर कोई एक इंसान है वो जल्दी चला भी गया घर पे तो क्या करेगा? या तो बाहर चला जाएगा आउटिंग के लिए, या वो टीवी देखने बैठ जाएगा, या वो अपनी सेडेंटरी लाइफ बिताने लग जाएगा। इसमें वर्क लाइफ बैलेंस कहाँ हुआ? अगेन मैं बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक मेंटल और फिजिकल बैलेंस की बात यहाँ चल रही है। क्वाइट क्विटिंग वर्क लाइफ बैलेंस कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ के आसपास घूमने वाली चीज़ें हैं, लेकिन वो तो मिसिंग है। तो कंपटीशन होगा, तो कुछ एम्प्लॉय ऐसे होंगे जो एक्स्ट्रा काम करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। दूसरी बात ये होगा कि आपके सुपीरियर, आपका मैनेजमेंट आपसे उतना खुश कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगेन बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई उसी बात को ज़्यादा वैल्यू होगी कि कौन एक्स्ट्रा बैठ के ज़्यादा काम कर रहे हैं, कौन वीकेंड्स पे आ रहे हैं। तो ये साफ साफ डिस्टिंक्ट कंपैरिजन शुरू हो जाएगा, जो कि पहले भी हुआ करता था, ये कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा से रहा है। लेकिन मैं ये सभी क्वाइट क्विटिंग के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ कि ये ऐसा होगा और इसका होना बहुत वाजिब है। अभी इसमें और एक बात ये आती है कि इसे वाकई अगर कोई करना चाहे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट, जो कि मैं फेवर करता हूँ कि वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, तो वाकई अगर कोई इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहे तो क्या किया जा सकता है? हमेशा एक बात हमको ये ध्यान देनी पड़ेगी कि लाइफ में हर चीज़ नहीं मिल सकती, कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। या तो आप कुछ हद तक पैसे को सेक्रीफाइस कीजिए, प्रमोशन को सेक्रीफाइस कीजिए, या फिर हेल्थ को सेक्रीफाइस कीजिए। तो ज़्यादा करके जो मैंने एक पैटर्न देखा है सोसाइटी में, लोग हेल्थ को सेक्रीफाइस करके बाकी चीज़ों को पकड़ लेते हैं, लेकिन जो लोग रियली सीरियस हैं वर्क लाइफ बैलेंस या क्वाइट क्विटिंग के मामले में, उनको दो तीन चीज़ें बहुत क्लियरली अपने दिमाग में लानी पड़ेंगी। पहली बात तो एक ये करनी पड़ेगी इनको कि इनको अपने ऑब्लिगेशंस लिमिटेड रखने पड़ेंगे, क्योंकि हायर ऑब्लिगेशंस आपको फोर्स करेगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्स्ट्रा काम करने के लिए, कॉम्पिटिटिव बनने के लिए। ये पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि जो एम्प्लॉय है उसको बहुत सिंसियरली काम करना पड़ेगा। अगर कोई आदमी, अगर कोई इंसान या एम्प्लॉय ये बोलता है कि मुझे एक फिक्स टाइम के लिए काम करना है, तो उसको इतना मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो अपने बाकी जो 8 आवर्स या 9 आवर्स या 10 आवर्स के जो फिक्स टाइम है उसका ऑफिस में, वो काफ़ी ईमानदारी से दे। क्या वो एक एम्प्लॉय वो कर पाएगा? ऑफकोर्स जो एक्स्ट्रा सिंसियर होंगे वो ज़रूर करते होंगे, लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये एक्चुअली टेस्ट होगी एम्प्लॉय के लिए मोर देन एम्प्लॉयर। और एक बात इसमें जो होनी ज़रूरी है वो ये है कि आपका और आपके सुपीरियर का या आपके बॉस का एक बहुत अच्छा तालमेल होना चाहिए इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर वो नहीं है तो उसमें एक चीज़ ये हो जाएगी कि आप मैनेजमेंट की नज़र में नीचे उतर जाएंगे। एक एक ऐसा सीन क्रिएट हो जाएगा कि आप काम नहीं करना चाहते हैं, या एक ऐसा सीन क्रिएट हो जाएगा कि ये सामने वाला आदमी हमारी सुनता ही नहीं। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस जरूर होंगे इन सब चीज़ों के, ये परिणाम होने ही हैं। और एक बात जो इसमें इसको अपनी लाइफ में लाने के लिए ज़रूरी है वो ये है कि जो एम्प्लॉय है उसके लाइफ में हेल्थ या कोई एक और दूसरा अच्छा गोल होना चाहिए, वरना अगर आप फिक्स नंबर ऑफ आवर्स के लिए काम करेंगे तो बाकी टाइम पे करेंगे क्या? बाकी टाइम पे कुछ करने के लिए आपके पास क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अदरवाइज होगा ये कि आपने ऑफिस का भी काम लिमिटेड किया और दूसरी तरफ अपने आप को डैमेज भी कर दिया। तो इसके लिए उस इंसान का एक हेल्थ के प्रति एक
एक इंक्लिनेशन, एक झुकाव होना बहुत ज़रूरी है। और हेल्थ की तरफ ना भी हो ज़्यादा तो भी इतना तो होना चाहिए कि उसके पास में कोई क्रिएशनल एक्टिविटी हो जिसमें कि वो उस उसके अपने खाली टाइम को बिता सके अच्छे से। खाली टाइम को बिताने का मतलब ये नहीं कि आप डेली शॉपिंग सेंटर में चले गए, आप फैमिली के साथ में होटल में रोज़ खाना खा रहे हैं। एक्चुअली वो वर्क लाइफ बैलेंस हुआ ही नहीं। यहाँ एक बहुत बड़ी थीन लाइन है जो कि हर किसी को समझनी चाहिए कि वर्क लाइफ बैलेंस हुआ क्या। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब ये नहीं कि आप डेली टीवी सीरीज़ देख रहे हैं रात को बैठ के फैमिली के साथ में। वर्क लाइफ बैलेंस ये नहीं हुआ कि आप फैमिली के साथ में रोज़ होटल में खाना खा रहे हैं। इवेंचुअली आप तो डैमेज होंगे, आपकी फैमिली भी डैमेज होगी। तो क्वाइट क्विटिंग और वर्क लाइफ बैलेंस एक वो चीज़ है जिसमें कि सेंटर में हेल्थ है, फिजिकल और मेंटल, और उसके पेरिफेरी आपकी लाइफ घूम रही है। तो अगर हेल्थ एक फैक्टर नहीं है आपके इस पूरी दिनचर्या में या रूटीन में, तो कहीं तो भी आप वर्क लाइफ बैलेंस को या क्वाइट क्विटिंग को मिसयूज़ कर रहे हैं या मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो बस आज मुझे इतना ही कहना था कि किसी भी टर्म्स को एक टर्म के जैसा जानने से ज़्यादा आप इस बारे में ज़्यादा फोकस करें कि अगर उसका वाकई हमने इस्तेमाल किया अपने लाइफ में तो उसके परिणाम क्या होंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये एक कॉन्टेक्स्ट मेरा समझ में आया होगा। और थैंक यू।